न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वाल पोखर के लोधन में और आज लोधन में ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी की ओर से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप दर्शकों को बता दें कि ग्वाल पोखर आज़ाद कमेटी के तरफ ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी की तरफ से जो तिरंगा यात्रा निकाला गया है, यानी अगर हम कहें वो बाइक रैली निकाली गई है। अब हमारे पीछे वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हमारे जो सहयोगी हमको बोलेंगे कि आप वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। आप इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ के जो नौजवान हैं वो इस तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं और सामाजिक कुछ समस्याओं को लेकर ये लोग इस बाइक रैली का आयोजन किए गए हैं, इसकी नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के जो ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं। जो इरशाद आलम है वो इनकी अगुवाई कर रहे हैं। हम सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का ये तिरंगा यात्रा, ये बाइक रैली के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इरशाद भाई, क्या मतलब है, क्यों आप इस रैली का आयोजन कर रहे हैं, क्या मतलब जी है? सबसे पहली बात तो आज जो हम लोग तिरंगा रैली कर रहे हैं, तिरंगा रैली जो कर रहे हैं, इन तमाम दोस्तों का, जो लोग भी आए हुए हैं हमारे ग्वाल पोखर के आन बान शान तमाम नौजवान, यहाँ सभी लोग जो है आ चुके हैं, कम से कम हज़ारों के तादाद पर बाइक है यहाँ। आज तिरंगा रैली करने का मकसद ये है कि आज हमारे ग्वाल पोखर, आज अगर हमारे भारत को मजबूत करना है तो भारत का एक अटूट हिस्सा ग्वाल पोखर है, तो ग्वाल पोखर को भी हम लोग मजबूत करना पड़ेगा। तो ग्वाल पोखर कैसे मजबूत हो, इंशाल्लाह उस तरह से हम लोग जो भाईचारगी से रहते हैं और भी इसको भाईचारगी बढ़ाना पड़ेगा, आपस में मिल मिला मोहब्बत का जो है पैगाम बढ़ाना पड़ेगा, मोहब्बत से आपस में रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब हम लोग ग्वाल पोखर मजबूत करेंगे, हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे, तो हम लोगों का यही पैगाम है कि ग्वाल पोखर जब लोग मजबूत होंगे तो ग्वाल पोखर में जो इलाके का जो काम का चीज़ है, ज़रूरत का सामान है, जैसे मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं है उसमें सर से लेकर पैर तक मोटा मोटी कुछ इलाज नहीं होता, यहाँ हर किस्म का इलाज हो, ये बाइक रैली का और तिरंगा रैली का मेन उद्देश्य ये भी है। उसके बाद यहाँ कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज कब तक होगा, जब तक आज़ादी के 73-75 साल हो गया है, अभी तक जो है हम लोगों को आज़ादी का इतना साल हो गया लेकिन अभी तक जो है यहाँ जो है कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट बहुत कम है। उसके बाद यहाँ पे सड़क घाट सही से अच्छा नहीं है, उसके बाद एक भी स्कूल में हमारे ग्वाल पोखर में साइंस डिपार्टमेंट नहीं है, साइंस जो है स्ट्रीम नहीं है, साइंस होगा तभी तो हमारे यहाँ के गरीब बच्चे हम लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे। रैली का मकसद यही है, जैसे हम लोग गांधी जी हमारे देश को, गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, सभी लोगों ने मिलजुल कर जो है इस देश को आज़ाद किया, तो ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था, वो लोग धरना प्रदर्शन किए थे, रैली किए थे, तभी जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। तो इसीलिए आज हम लोग रैली लिखे हैं तिरंगा रैली, इसका मकसद ये है ताकि हम लोग का ग्वाल पोखर में मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल हो, ग्वाल पोखर के जितने नौजवान हैं तमाम लोगों को रोजगार दिया जाए, काम पे लगाया जाए, यही उद्देश्य मेन है। और इंशाल्लाह जब हम लोग मजबूत होंगे, जब हम लोग का यहाँ हॉस्पिटल होगा, कॉलेज होगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, नौजवानों को काम में रोजगार देंगे, तो ग्वाल पोखर मजबूत होगा। जब ग्वाल पोखर मजबूत होगा तो उत्तर दिनाजपुर मजबूत होगा, जब उत्तर दिनाजपुर होगा तो वेस्ट बंगाल मजबूत होगा, और जब वेस्ट बंगाल मजबूत होगा तो हमारा हिंदुस्तान मजबूत होगा। हम लोग का ये बाइक रैली अभी देवीगंज मार्केट घुसेंगे, वहाँ से होता हुआ बोलिया पोखर मदरसा होता हुआ वो जो बस्ती सब है कुछ बस्ती में घुसेंगे, वहाँ जो है चाय नाश्ता करने के बाद तब फिर हम लोग झलझली होता हुआ इधर से होता हुआ फिर यही खत्म करेंगे। नौजवानों को लेकर यही कहेंगे कि आज नौजवान हक के लिए, अपने अधिकार के लिए इंशाल्लाह पहले भी जागे थे ईमानी जज्बा के साथ, अभी भी ईमानी जज्बा के साथ सब लोग जागे हैं यहाँ। आज सिर्फ एक मैसेज दिए थे लाइव के जरिए कि आप लोगों को आना है, और एक देखिए एक ही मैसेज के जरिए नौजवानों का जो है पूरा ये जो है लाइन लग गया है। आप सोचिए सभी लोग जो है, ये सभी लोग मेरे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, सब लोग अपने अधिकार के लिए, हक के लिए इंशाल्लाह आए हैं। हम लोग हुकूमत से यही कहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द जो हमारी डिमांड है, मांग है, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, ग्वाल पोखर को एकता ही करने के लिए आप लोग ये सब काम कीजिए, यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इस वक्त देख सकते हैं सीधे तौर पर हम बातचीत कर रहे थे, इस जो यात्रा है, इस बाइक रैली है, तिरंगा यात्रा है, उसके जो कन्वेनर हैं मोहम्मद इरशाद आलम, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी संख्या में जो बाइक है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है बाइक रैली में लोग शामिल हुए हैं।
आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है नौजवान जो है आज़ाद इन कमेटी के तरफ से जो रैली का आयोजन किया गया उसमें शामिल हुए हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे इस वक्त लोधन से, जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो बाइक रैली का आयोजन किया गया है। तो इसी तरह की तमाम तरीकी न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।